हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच हेल्पन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू ने दिसंबर 2018 टर्म एग्जामिनेशन रिजल्ट का आज 13th अपडेट कर दिया है। इस वीडियो में आप लोग को लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सब्जेक्ट का रिजल्ट 13th अपडेट में डिक्लेयर हुआ है। साथ ही साथ इग्नू की तरफ से जो जॉब्स की नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल आप लोग को बताना है। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा। पहले आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे स्टेटस 12 मार्च तक शो हो रहा है, जो पहले 11 मार्च तक शो हो रहा था, यानी कि एक दिन का रिजल्ट अपडेट हुआ है। लेकिन इसमें भी काफी सब्जेक्ट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। मैं आप लोग को लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं जो जॉब की नोटिफिकेशन आई है इग्नू की तरफ से उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। जो जॉब की नोटिफिकेशन आई है इग्नू में वो है collegedekho.com की तरफ से, और उसमें पोजीशन होगा वो एकेडमिक काउंसलर का होगा। इसके बारे में मैं आप लोग को अच्छे से इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एज एन एकेडमिक काउंसलर काम कर चुका हूँ काफी महीने, तो आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ कि क्या काम करना होगा आप लोग को। देखिए, एक्चुअली होता यह है कि जब 10+2 आप लोगों को पता है कि अभी एचएस का एग्जामिनेशन खत्म हो गया है, जैसे एचएस का एग्जामिनेशन खत्म होता है तो जितने भी ऑल ओवर इंडिया से जितने सारे स्टूडेंट्स हैं वो लोग वेबसाइट पे गूगल पे सर्च करते हैं कि उनके लिए कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छा होगा, कौन सा मेडिकल कॉलेज अच्छा होगा, कहाँ पे उनका प्लेसमेंट अच्छा होगा, ठीक है, या बैचलर डिग्री करना है उनको तो कौन सी यूनिवर्सिटी से करे। तो इन सभी चीजों के लिए वो लोग collegedekho.com, क्योंकि ये काफी पॉपुलर वेबसाइट है, तो इस पे वो लोग सर्च करते हैं। जैसे वो लोग सर्च करते हैं तो उनका जो डेटा होता है वो जो collegedekho.com के पास चला जाता है, और वहां से जो एकेडमिक काउंसलर होते हैं वो उनको कॉल करते हैं, सारे स्टूडेंट से कॉन्टेक्ट करते हैं, उसके पास से उनको सही गाइडेंस करते हैं कि कहाँ पे आपको एडमिशन लेने से अच्छा होगा, कहाँ पे अच्छा नहीं होगा, इंजीनियरिंग करना है तो आपको कौन से इंजीनियरिंग करना है, कहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा है, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में वो बताते हैं। तो एकेडमिक काउंसलर का काम ही यही है कि जो भी हायर सेकेंडरी से स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं और वो जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको सही गाइडेंस करना और उनको हर एक कोर्स के बारे में डिटेल में बताना, ठीक है। तो ये इसलिए अभी ये रिक्वायरमेंट चली है क्योंकि अभी 10+2 पास हुआ है और अभी यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा आता है क्योंकि ये काफी पॉपुलर वेबसाइट है, ठीक है। तो इसलिए उनको एकेडमिक काउंसलर की जरूरत है, तो आपको यही करना होगा। इसके लिए बस कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, ग्रेजुएट हो तो नॉर्मल आपको जानकारी होगा ही, और प्लस वो लोग ट्रेनिंग देंगे तो उसमें आप लोगों को बता देंगे। इंग्लिश जरूरी नहीं है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से इसमें कॉल आते हैं, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया से जितने सारे स्टूडेंट्स हैं इसमें सर्च करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, आपका जो भी लैंग्वेज होगा, लेकिन आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, आपको बात अच्छे से करना चाहिए और कैंडिडेट से या स्टूडेंट से अच्छे से प्यार से बात करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर ये अगर आपके अंदर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, और इसमें जॉब कर सकते हो। फुल टाइम जॉब है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सब्जेक्ट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है जो आज 13 अपडेट में आए, ठीक है। मैं ज्यादातर बैचलर डिग्री का ही चेक कर पाऊँ, इवन मैं सिर्फ बैचलर डिग्री का ही आज चेक कर पाया हूँ, मास्टर डिग्री का नहीं चेक कर पाया हूँ। तो आप लोग देख लीजिए, पीजी 101, 104, 102, 107, 108 के पेपर अपडेट हुए हैं, लेकिन ये मैं लखनऊ रीजन, भोपाल रीजन, एर्नाकुलम जो कोची का रीजन है उसमें, और कोलकाता रीजन का चेक कर पाया हूँ। जम्मू रीजन का कोई भी अपडेट मुझे नहीं मिला। अगर आपका आया होगा तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एचआई के पेपर में एचआई 01, 03, 04, 06 के अपडेट हुए हैं, ईपीएस 8, ईपीएस 11 के भी अपडेट हुए हैं। अगर आपको कोई भी चीज के बारे में ज्यादा अगर अर्जेंट हो तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर लेना, कॉल पे मैं आप लोग को सारा जो भी आप लोग का डाउट है वो मैं बता दूंगा। कैसे कॉल करना है, ऊपर कार्ड में उसका लिंक दिया हुआ है, उससे आप लोग देख लेना, पता चल जाएगा। ईपीएस 8, ईपीएस 11 के भी अपडेट हुए हैं, ईएसओ 13, 14, 16 और 11 के भी अपडेट हुए हैं। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि जम्मू रीजन के जितने भी पेपर हैं उनका पेपर काफी स्लोली से चेक हो रहा है, इसलिए उनका अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा है, तो उनको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। 15 अपडेट तक तो एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा, 15 अपडेट तक उम्मीद है कि आप लोग का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। जिसका भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ उनको थोड़ा सा वेट करना होगा। अभी 13 अपडेट है और 2 अपडेट तक आपका हो सके तो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। बीपीवाई 5, बीपीवाई 6, बीपीवाई 9, बीपीवाई 10, बीपीवाई 11 के भी आज जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें अपडेट हुए। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप लोग हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि कैसे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। साथ ही साथ आज MT1, MT2, MT7, MT9, MT13 के भी अपडेट हुए हैं, MT14 काफी स्टूडेंट का पेंडिंग बचा था उसका भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, बीपीसी 11, 17, 18, 19 के भी अपडेट हुए हैं, इको के काफी पेपर अपडेट हुए हैं आज, इको 5, इको 6, इको 10, 11, 13 और 14 के अपडेट हुए हैं, पीएचई 7, 13, 14 और 16 के भी अपडेट हुए हैं, सीएचई 2, सीएचई 4, सीएचई 6, सीएचई 9, सीएचई 10 के अपडेट बचे हुए थे उनका डिक्लेयर हुआ है, एलएसी के पेपर में एलएसी 1, 2, 3, 9 और 10 के अपडेट हुए, और जो अप्लाइड ओरिएंटेड कोर्स है उसमें एडी 01 और एसी 01 के अपडेट हुए। तो ये सब अपडेट मुझे देखने को मिला है जो बैचलर डिग्री का ज्यादा था, मैं मास्टर डिग्री का चेक नहीं कर पाया हूँ, थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया इसी बात, ठीक है। सो आई होप यू ऑल डोंट माइंड, अगर किसी का नहीं निकला होगा या निकला होगा रिजल्ट
तो आप लोग नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि अदर स्टूडेंट्स को पता चल सके। तो यही सब था इस वीडियो में, आप लोग को 13 अपडेट के बारे में जो भी डिटेल थी उसके बारे में मैं बताना चाह रहा था, और जो भी जॉब के रिलेटेड इग्नू की तरफ से नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल है वो मैंने बताया इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन लगा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करते, ज्यादा अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करें ताकि कोई बात की इन्फॉर्मेशन मिल पाए। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट तो कर ही सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अर्जेंट हो मुझे कॉल भी कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमें भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।